नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कर्मचारी के जीवन में छुट्टी का क्या महत्व है? इस छुट्टी से उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके कार्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, कार्य की प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, कर्मचारी के जीवन में छुट्टी का विशेष महत्व है। कई प्रकार के निजी एवं सामाजिक कार्य होते हैं जो अति आवश्यक होते हैं। उन्हें पूरा करने हेतु कर्मचारी को अपने कार्य स्थल से अनुपस्थित होना पड़ता है। साथ ही साथ लगातार एक ही कार्य को करते करते थोड़ी निरस्ता आ जाती है, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इन्हें दूर करने के लिए एवं पूरे जोश के साथ कार्य करने के लिए छुट्टी पर जाना आवश्यक हो जाता है। रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टी रेलवे सर्विस लिबरलाइज लीव रूल 1949 के द्वारा शासित होती है। रेलवे सर्विस लिबरलाइज छुट्टी नियम उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्होंने रेलवे सेवा को 1 फरवरी 1949 या उसके उपरांत ज्वाइन किया है। दूसरे वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जिन्होंने 1 फरवरी 1949 से पहले ज्वाइन किया है और उन्होंने अपनी इच्छा से इस नियम को स्वीकृत दिया है। तीसरा, वे लोग जिन्हें किसी स्पेशल नियम के तहत इस नियम के दायरे में लाया गया है। और चौथे ग्रुप वे हैं जो कि टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट हैं और जिन्होंने की 3 साल की सेवा पूर्ण कर ली है। कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि इस नियमों के अंतर्गत में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें समझना आवश्यक। पहला डेफिनेशन है ऑडिट ऑफिसर। ऑडिट ऑफिसर से हमारा तात्पर्य उस अकाउंट और ऑडिट ऑफिसर से है जिसके कार्य क्षेत्र में हमारा ऑफिस आता है या रेलवे कर्मचारी का ऑफिस आता है। दूसरा है अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट हिम। कौन सी अथॉरिटी है जो छुट्टी ग्रांट कर सकती है? इसके लिए फर्स्ट शेड्यूल दिया गया है इस रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 3 में। इस संबंध में चर्चा की गई है कि कौन सी अथॉरिटी किस कर्मचारी को छुट्टी दे सकती। तीसरा है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज या वंस ईयर कंटिन्यूअस सर्विसेज। इसका मतलब होता है कि कंटिन्यूअस सर्विस या कंप्लीटेड सर्विस की गिनती कैसे की जाती है। इस छुट्टी के दौरान जितनी भी छुट्टियाँ ली गई है वे सभी काउंट होती है। साथ ही साथ जितने दिन व्यक्ति ने अपने ड्यूटी स्थल पर, अपने कार्य स्थल पर अपना कार्य किया है वो भी काउंट होता है। और इनके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो कर्मचारी ने लिया है वे भी काउंट होता है। तो इन सबको जोड़ करके कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस को काउंट किया जाता है जिनका विभिन्न उद्देश्यों में प्रयोग किया जाता है। डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेट ऑफ एज रिटायरमेंट, ये शब्द का प्रयोग रेलवे छुट्टी के नियमों में जहाँ कहीं भी किया जाता है इसका अर्थ होता है जिस डेट को व्यक्ति रिटायर हो रहा है उसके आफ्टरनून का। डिसेबिलिटी मीन्स, डिसेबिलिटी का अर्थ होता है स्पेशल डिसेबिलिटी या बेंचमार्क डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी हैविंग हाई सपोर्ट नीड। इनको रेफर किया जाता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इस नियम के तहत में जो भी डेफिनेशन दिया गया है वे सभी डेफिनेशन डिसेबिलिटी के तहत में काउंट। फॉरेन सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज का अर्थ वे रेलवे कर्मचारी जो अपना वेतन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडियन टेरिटरी से नहीं लेते हैं। रेलवे सर्वेंट इन क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय, इसका मतलब होता है कि वे ऑफिसर जिन्हें की यूपीएससी ने डिक्लेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में मिनिस्ट्रियल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हैज बीन अपॉइंटेड टू अ टेंपरेरी और ऑफिशिएटिंग वैकेंसी ऑन द अंडरस्टैंडिंग गिवन टू हिम इन राइटिंग बिफोर ही टुक अप द अपॉइंटमेंट। उन्हें पहले से ये बता दिया जाता है कि ये एक टेंपरेरी पोस्ट है या ऑफिशिएटिंग वैकेंसी के अगेंस्ट में अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ यह वैकेंसी परमानेंट होने की संभावना होती है पर किसी कारणवश अगर वो 3 साल तक परमानेंट नहीं होती है तो ऐसी सभी एम्प्लॉयज को या एम्प्लॉय रेलवे सर्वेंट इन क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय के दायरे में आते हैं। नेक्स्ट आता है रेलवे सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय। रेलवे सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय का मतलब होता है कि वह ऑफिसर जो कि कोई सब्सटेंटिवली पोस्ट या प्रोविजनली सब्सटेंटिवली या परमानेंट पोस्ट होल्ड करता है, साथ ही साथ जिनका लीन भी परमानेंट होता है या जिनका लीन ट्रांसफर न किया गया हो, तो वे सभी एम्प्लॉय रेलवे सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर जाने जाते हैं। वैकेशन डिपार्टमेंट, वैकेशन डिपार्टमेंट का अर्थ होता है वह डिपार्टमेंट या पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट जिसमें कि रेगुलर वैकेंसीज को अलाउ किया जाता है। ड्यूरिंग विच रेलवे सर्वेंट सर्विंग इन द डिपार्टमेंट आर परमिटेड टू बी एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी। और इस सर्विस के दौरान में रेलवे सर्वेंट अपने डिपार्टमेंट से अनुपस्थित रहने के लिए परमिशन दी।
सवाल आता है कि क्या छुट्टी हमारा अधिकार है? जिस प्रकार हमारा वेतन अधिकार है, क्या उसी प्रकार छुट्टी भी हमारा अधिकार है? तो इसके संबंध में बताया गया है कि लीव को किसी भी परिस्थिति में अधिकार के तौर पर काउंट नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ जो छुट्टी दी गई है या मांगी गई है, जो छुट्टी मांगी गई है उन्हें रिफ्यूज किया जा सकता है, और जो छुट्टी उन्हें दी गई है उसे रिवोक भी किया जा सकता है जिस अथॉरिटी ने उसे ग्रांट किया है। लेकिन किसी भी हालत में छुट्टी देने वाला अधिकारी छुट्टी के प्रकार में बदलाव नहीं ला सकता है जब तक कि रेलवे कर्मचारी ने इस संबंध में उसे किसी भी प्रकार का लिखित आवेदन न। अब बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति को डिसमिस कर दिया गया है या रिमूव कर दिया गया है या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया गया है, तो उनके अकाउंट पर जो छुट्टियां क्रेडिट की गई है उस छुट्टी का क्या होगा? तो एनी क्लेम टू लीव टू द क्रेडिट ऑफ ए रेलवे सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड और हु रिजाइन फ्रॉम द रेलवे फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसमिसल और रिमूवल, यानी कि उसका कोई भी क्लेम अब बाकी नहीं रह जाता है। अर्थात किसी रेलवे कर्मचारी के खाते में छुट्टी का कोई भी दावा जिसे कि बर्खास्त किया गया है या हटाया गया है या जो रेलवे से इस्तीफा देता है, ऐसी बर्खास्तगी या निष्कासन या इस्तीफे की तारीख से सेवा जिस तारीख से समाप्त होती है। अगला सवाल है कि जहां एक रेलवे कर्मचारी भारत सरकार के अधीन या लेकिन भारत के सॉरी रेलवे के बाहर किसी अन्य पद के लिए आवेदन करता है, अगर यदि ऐसा आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित किया गया है यानी एनओसी लेकर के किया गया है, तो आवेदक को नया पद लेने के पहले अपने पहले पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता हो, तो ऐसे इस्तीफा देने के बावजूद भी उसके खाते में जमा छुट्टियां समाप्त नहीं होती है, वो चाहे तो इसे क्रेडिट कर सकता है या उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। साथ ही साथ एक रेलवे कर्मचारी जिसे रेल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है या हटा दिया गया है लेकिन अपील या पुनरीक्षण पर बहाल कर दिया जाता है, तो वह बर्खास्तगी या निष्कासन जो भी जैसा मामला हो से पहले उसकी अपनी सेवा की छुट्टी जितना उसको बकाया था उसे वापस गिनने का अधिकार होता है। अर्थात बर्खास्तगी या निष्कासन के पूर्व में जो छुट्टियां उसके बाकी थी, अगर अपील या पुनरीक्षण के बाद बहाल किया जाता है, तो ये सभी छुट्टियां उसके खाते में जमा कर दी जाती है। अगला हमारा सवाल आता है कि एक व्यक्ति एक रेलवे कर्मचारी जिसे रेलवे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया है और अपील या पुनरीक्षण पर बहाल किया गया है, वह बर्खास्तगी या निष्कासन जैसा भी मामला हो से पहले अपनी सेवा को छुट्टी के गिनने के लिए अधिकार। एक और टॉपिक आता है कि वैसा रेलवे कर्मचारी जो मुआवजे या अमान्य पेंशन या ग्रेजुटी पर सेवानिवृत्त हुआ है और उन्हें पुनः नियोजित किया गया है और उसे पेंशन या राज्य भविष्य रेलवे निधि के लाभ के लिए अपनी पिछली सेवा को गिनने की अनुमति दी गई है। यहाँ पर बात की गई है अनुमति दी गई है। अगर ऐसा कोई मामला है तो भी वो अपनी पूर्व सेवा के प्रति सेवा छुट्टी को गिनने का अधिकार रखता है, यानी इसे पुरानी छुट्टियों से। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ब्रेक इन सर्विस ड्यू टू स्ट्राइक। तो पहले हम अगर समझें कि स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। स्ट्राइक को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है लीगल स्ट्राइक और दूसरा होता है इलीगल स्ट्राइक। लीगल स्ट्राइक किन्हें कहते हैं? लीगल स्ट्राइक यानी कि जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों को अनुपालन करने के बाद बुलाई गई हो, अर्थात निर्धारित नियमों के अनुसार हड़तालें की गई हो, उन्हें तो कानूनी हड़तालें की जाती हैं, लेकिन बेकानूनी हड़ताल के लिए आह्वान करने के पूर्व जिनकी तैयारी नहीं देखी गई है, जिन्हें निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया है, वे सभी हड़तालें अवैध हड़तालें या इलीगल स्ट्राइक। अब जो ऊपर में हमने पढ़ा था कि लीगल स्ट्राइक और इलीगल स्ट्राइक, तो लीगल स्ट्राइक के अंतर्गत आने वाली हड़तालों को सेवा में ब्रेक नहीं माना जाता है और रेलवे प्रशासन के लिए यह उचित होगा कि वह अनुपस्थिति की अवधि को रेलवे बोर्ड के संदर्भ में बिना भत्ते के साथ या बिना भत्ते के छुट्टी के रूप में माने। हालांकि अवैध हड़तालों के मामले में संबंधित कर्मचारी की अनुपस्थिति सेवा के व्यवधान के समान मानी जाती है और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना माफ नहीं किया जा सकता है। अब सवाल है कि अगर किसी गैर कानूनी हड़ताल में भाग लेने के कारण सेवा में हुई रुकावट को राष्ट्रपति द्वारा गैर मौजूदा मान करके
मान करके माफ कर दिया जाता है। जैसा कि पीछे पढ़ा कि उसे राष्ट्रपति के अलावा कोई माफ नहीं कर सकता, पर अगर राष्ट्रपति उसे माफ कर देते हैं यानी कि न तो से, तो वैसी स्थिति में न तो उसे सेवा में रुकावट मानी जाती है, ब्रेक इन सर्विस माना जाता है, और न ही सेवा के तौर पर गिना जाता है, उसे सेवा में नहीं गिना जाता। तो ऐसी अवधि को उस विशेष कर्मचारी या कर्मचारियों के लिए गैर मौजूदा के रूप में जाता है। सामान्य शब्दों में या दूसरे शब्दों में अगर इसे हम समझने का प्रयास करें तो इस प्रकार की माफ की गई ब्रेक से पहले की सेवा को सभी उद्देश्यों के लिए और ब्रेक की सेवाओं के बाद की जो ड्यूटी की गई है उनको एक कंटिन्यूटी में माना जाएगा, लेकिन ब्रेक की अवधि को किसी भी उद्देश्य के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा, इन्हें उनकी गिनती किसी भी का उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी।